कई प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी, ऐसे बहुत प्लान हम जानते हैं। क्या बातचीत में कहीं ना कहीं कोई गैप है? कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। एमबीए एक है, एक रहेगी। अभी थोड़ा सा टीवी पे चमकने को मिलता है तो एक हम बयान दिया तो आप जैसे पत्रकार लगा देते हैं उसको, चलाते हैं दिन भर तो मजा आता है उसको भी। पवार साहब कांग्रेस के सीनियर नेता अगर कहते हैं कि पवार साहब को ऑफर दी गई है, मेरे को मालूम नहीं कांग्रेस के नेताओं ने किसी मुझे कोई कोई वो भाई सब कुछ लगाया था क्या कान को और वो दीवार को? छुपके कोई बैठक आप लोगों ने किया है पुणे में एक बिजनेसमैन के यहाँ पे? देखो ऐसा मैं आपको एक आज साफ कहना चाहता हूँ, शरद पवार जी के बड़े भाई शेका पक्ष से उम्मीदवारी कर रहे थे, मैं 1960 की बात बता रहा हूँ। तब अपने माँ को जाके शरद पवार जी ने बताया कि मैं शेका पक्ष का बाजू नहीं ले सकता हूँ, मैं कांग्रेसी विचारों का हूँ। तो उनके माँ ने कहा कि तू कांग्रेस का प्रचार कर, उनको शेका पक्ष से चुनाव लड़ने दे। अपने भाई के खिलाफ उन्होंने चुनाव का प्रचार किया और कांग्रेस जीत गया। उनके सगे बहनों एनडी पाटिल ये शेका पक्ष के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे और आंदोलन करने उनका तो क्या राखी बांधना छोड़ दिया क्या उन्होंने उसके बहन ने? ये नए जो ये टीवी कैमरा और ये सोशल मीडिया ना उसके कारण रिश्ते होते हैं, पर अपने विचारधारा अभी बाला साहब ठाकरे और शरद पवार जी की दोस्ती थी। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के ऊपर शब्द के रूप में तलवार चलाते थे तो कोई आगे पीछा नहीं छोड़ते थे। ये नया हो गया कि दुश्मन हो गए तो तलवार निकल के पीछे ही लग जाओ, ये एक पक्ष की संस्कृति है। अरे ये अपने खिलाफ बात कर रहा है, साला लग जाओ इसके पीछे। ये पहले नहीं होता था राजनीति में, ये आजकल की राजनीति में आपको दिखा रहा है, दिख रहा है कि कांग्रेस ने भी उसको ऑफर दी। अभी बंद दरवाजे में क्या बात हुई वो भी बाहर आ गई क्या? अरे यार कुछ तो संभालो अपने आप को। मराठी पवारांच्या भावांचं राजकारण नाती वेगळी टोल्यांची टोली पाहिजे मत आहे, पण मग मित्रपक्षांमध्ये हा मेसेज कन्वे करायचा होता? आम्हाला आम्ही आमच्या भूमिकेवर सांगोल्यामध्ये स्पष्ट भूमिका घेतलेली की आम्ही जिथे आहोत तिथेच आहोत, आम्ही एक इंचही हलणार नाही, विषय संपला आमच्यासाठी। ठीक आहे, थँक्यू सर। शरद पवारांच्या भावांनी शेका पक्षामधनं निवडणूक लढवली होती तेव्हा त्यांच्या आईला जाऊन शरद पवार साहेबांनी सांगितलं होतं की मी शेका पक्षाचा प्रचार नाही करणार, मी काँग्रेसचा प्रचार करणार। त्यांच्या आईने सांगितलं बरं ठीक आहे तू काँग्रेसचा प्रचार कर, आणि तेव्हा काँग्रेसची सीट निवडून आली होती। हा शरद पवारांचा इतिहास आहे। शरद पवारांच्या सख्या बहिणीचा नवरा म्हणजे एनडी पाटील हे शेका पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि अतिशय आंदोलन करणारे म्हणजे मोठी आंदोलनं करणारे नेते होते। त्यांनी काय भाईनीला राखी बांधणं सोडलं नाही, म्हणजे त्यांच्या बहिणीनी शरद पवारांना राखी बांधणं सोडलं नाही आहे। हे काय नवीन प्रकरण सुरू झालं आहे की हे तिथे गेले ते? शरद पवारांनी एकदा सांगितलं मी MBA मध्ये आहे, मी इंडियामध्ये आहे। तुम्हाला हे कसं समजत नाही की शरद पवारांना टार्गेट करून इंडिया लूज करण्याचं काम चालू आहे? इंडियाचा मुख्य फेविकॉलच शरद पवार आहेत, त्यामुळे शरद पवारांच्या विषयी संभ्रम तयार करणं, शरद पवारांवर कुठेतरी संशय निर्माण करणं म्हणजे इंडियाचा घात करण्यासारखं आहे, आणि तो घात कोणीही करू नये। विकासाचा ध्यास म्हणजे